YDSC के अंदर हमने एक टॉपिक किया था कि अगर आपके पास दो स्लिट्स हैं और एक स्क्रीन है, तो आपका जो पैटर्न है, जो सेंट्रल मैक्सिमम, वो सेंटर पे बनते हैं और बाकी पैटर्न जो ऊपर नीचे बनते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता है बाय डिस्टेंस ऑफ वाई। जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो सेंटर में नहीं बनता, ऊपर बनता है, जबकि बनना कहाँ चाहिए, सेंटर पे बनता, ऊपर है। कितने डिस्टेंस ऊपर बनता है, बीटा बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। ऐसा क्यों होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है कि ये पैटर्न ऊपर शिफ्ट हुआ और कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ और ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो दोनों वेव किस में जाती, इन वैक्यूम जाती, दोनों की दोनों वेव किस में जाती, इन वैक्यूम जाती। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें आगे। अब दोनों की दोनों वेव्स अभी भी सेंटर पे आ रही हैं, पर एक का मीडियम चेंज है, एक का मीडियम चेंज नहीं है, ये भी क्लियर है यहां तक। अब मीडियम चेंज होने से क्या हुआ, ग्लास स्लैब ने क्या किया, ऑप्टिकल पाथ, वो फालतू डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी ग्लास स्लैब के अंदर। हमने ऑप्टिकल पाथ किया था, तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये वेव सीधी जाती, सीधी, तो यहां पर डिस्टेंस कितना कवर करती, टी। अगर ये वेव सीधी जाती तो स्लैब में कितना डिस्टेंस कवर करती, टी। और क्योंकि ये स्लैब के अंदर से गई तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, म्यू टाइम्स टी, ऑप्टिकल पाथ किया था। और म्यू टी क्या होता है, वैक्यूम इक्विवेलेंट, कि गई तो ये स्लैब में है पर अगर ये वैक्यूम में जाती तो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, म्यू इंटू टी, ग्लास स्लैब होने के बावजूद। और अगर ग्लास स्लैब ना होती तो टी डिस्टेंस कवर करती। तो ग्लास स्लैब होने की वजह से उसने वैक्यूम में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, म्यू टी माइनस टी। टी तो वैसे भी करना ही था, ग्लास स्लैब होती या ना होती फर्क क्या पड़ता था, टी तो वैसे भी कवर कर रही थी। ग्लास स्लैब ने उसे क्या किया, म्यू टी कवर करवा दिया। अब म्यू टी ग्लास स्लैब के अंदर डिस्टेंस नहीं है, म्यू टी उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस है जो कि वैक्यूम में होता या एयर में होता। तो एयर में अब नया डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी विद ग्लास स्लैब, म्यू टी, और वैसे कितना करती है, टी। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, म्यू टी माइनस टी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड इज म्यू माइनस वन इंटू टी, कोई डाउट इसमें, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो गया ये। अब मुझे एक चीज बताओ, या आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आज के असाइनमेंट के अंदर भी क्लियर कर देता हूं, कि एक दो चीजें कभी नहीं भूलनी, जितने ऑब्जेक्टिव हैं इन दो के ऊपर ही बेस्ड हैं और असली कॉन्सेप्ट इन दो के ऊपर ही बेस्ड है। वो क्या, YDSC के अंदर अगर मान लो ये स्क्रीन है और दो स्लिट्स हैं और ये सेंटर पॉइंट है, तो YDSC के अंदर ये मान लो अगर P पॉइंट है, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, P पॉइंट है, तो P पॉइंट के ऊपर ये जो दो वेव्स हैं इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो हमने क्या किया था, मान लो ये BP है, AP, तो अगर मैं ये बोलूं कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो कोई बताएगा ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, हम डेरिवेशन की थी, सच दैट ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट का, मान लो वो कितना है, x, और ये डिस्टेंस d, तो कोई बताएगा x और d की फॉर्म में डिस्टेंस क्या होगा, x स्मॉल d बाय कैपिटल d। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखना, लिख लो पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल, लिख लो ये पूरा डायग्राम बना के, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है, कि डेरिवेशन में कैसे किया था, BP माइनस AP करके बाइनोमियल लगा के डेरिवेशन की थी और पार्ट डिफरेंस स्मॉल एक्स डी बाई कैपिटल डी आया था, राइट। अब दूसरा एक और चीज नोट कर लो इसी में, वो क्या, ये नोट कर लो कि इसके अंदर ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, राइट, तो ये परपेंडिकुलर है, ये स्मॉल डी है और सपोज ये एंगल कितना है, थीटा। तो जैसे हमने डिफ्रैक्शन में किया था, इंटरफेरेंस के अंदर भी वही करने जा रहा हूं, कि अगर ये वेव फ्रंट है तो यहां वेव फ्रंट से वेव फ्रंट डिस्टेंस तो सेम है और ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कौन सा डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्या आएगा, डी साइन थीटा, जैसे डिफ्रैक्शन में क्या आता था, ए साइन थीटा, याद आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस का दूसरा फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, बोलो क्या, स्मॉल डी साइन थीटा, प्लीज इसे नोट कर लो, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए।
ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं किसी भी क्वेश्चन में पाथ रेफरेंस ये यूज करूं या ये यूज करूं, एक ही बात है। और कई बुक्स इस एक्स को वाई लिखती हैं, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, वाई डी बाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, क्योंकि अगर मैं ये ना बताऊं तो आपको ये, आप ये याद नहीं कर पाओगे ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा कुछ भी लगता है, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और आज का लेक्चर इन दो के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई, राइट। अब वापस चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड कितना है, म्यू माइनस वन इन टू टी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड है इसमें, ठीक है। पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, एक्स डी बाई डी होती है, हमने प्रूव किया हुआ है, आज हमने देख भी लिया इसमें। अब पाथ डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स इसके इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, एक्स का मतलब सेंटर पॉइंट से वो पी पॉइंट का डिस्टेंस, जहां पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स। अब अगर स्लैब, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब बीच में स्लैब स्लूप कोई नहीं है, बस दोनों हवा में ही चल रहे हैं दोनों वेव, तो यही फॉर्मूला है। लेकिन अगर स्लैब है तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स तो होगा ही होगा बिना, जो एयर में था, प्लस स्लैब की वजह से इतना पाथ डिफरेंस और एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा। याद है अभी हमने डिस्कस किया था कि स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना कवर्ड होगा, म्यू माइनस वन इन टू टी, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, म्यू माइनस वन इंटू टी, तो डेल्टा है। अब सोचो अगर ग्लास स्लैब ना होती और ग्लास स्लैब की जगह एयर होता या वैक्यूम होता, तो म्यू क्या होता, वन, वन में से वन गया जीरो, आंसर वही आ गया सेम जो एयर वाला है, तो सही हो गया। तो ये फॉर्मूला तो कम से कम आना ही चाहिए ना, अगर ग्लास स्लैब म्यू इक्वल टू वन की बनी हुई है, और अगर ग्लास स्लैब है तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यानी कि ये अब एक्स डैश पॉइंट आ गया, तो P पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब P पॉइंट पहले कहां पर था, X पे, अब कहां पर आ गया, X डैश पे। क्यों आया, क्योंकि बीच में क्या डाल दी, ग्लास स्लैब। तो अगर हम दोनों को माइनस कर रहे हैं कि P पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, तो माइनस करने पे ये फॉर्मूला आएगा, इसको प्लीज बॉक्स में डाल के इंपॉर्टेंट मार्क करो, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बाई डी। तो याद करो कि एक, कोई मान लो अगर आप ग्लास स्लैब एक रास्ते में डाल देते हैं तो पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता है बाय अमाउंट ऑफ म्यू माइनस वन इंटू टी डी बाई डी। क्या स्टेप क्लियर है? और इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि बीटा क्या होता है, बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, तो यहां से डी बाई डी की वैल्यू क्या आएगी, बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो डी बाई डी की जगह बीटा बाई लैम्डा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? तो आपके ऑब्जेक्टिव में, वैसे बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर आपके ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूं वो ये यूज करता हूं। मैं बीटा के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा, बीटा अगर ना गिवन हो फिर डी बाई डी गिवन हो फिर, तो ये फॉर्मूला सबसे सही है। तो कितना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है? इसके ऊपर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में हम करेंगे।